बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले बहुत सारा स्ट्रगल किया था, लेकिन अपनी काबिलियत के सहारे इन्होंने बॉलीवुड में आज ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने अपने करियर की शुरुआत वॉचमैन के तौर पर की तो कोई बस कंडक्टर और वेटर भी रहा है, इसी तरह किसी ने सेल्समैन की जॉब की तो कोई कॉपीराइटर रहा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर फिल्मों में आने से पहले क्या काम करते थे ये पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स। शाहरुख खान दैश। आज किंग खान बॉलीवुड के उन स्टार्स में जिनकी फिल्मों को देखने के लिए लोग तरसते हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। अपने स्ट्रगलिंग डेज में शाहरुख खान दिल्ली में बतौर कॉन्सर्ट अटेंडर के तौर पर काम कर चुके हैं। पंकज उधास के एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए बतौर फीस उन्हें 50 रुपए भी मिले थे। रजनीकांत दैश साउथ में किसी भगवान की तरह पूजे जाने वाले रजनी सर की जिंदगी भी बहुत निराली है। रजनीकांत फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर थे। जब वो बस में टिकट काट रहे थे तो इनकी स्टाइल से प्रभावित होकर एक डायरेक्टर ने इन्हें फिल्मों में मौका दिया था। उसके बाद से तो इनकी किस्मत ही बदल गई। उन्होंने 1983 में आई फिल्म अंधा कानून से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बोमन ईरानी दश कई बेहतरीन फिल्मों में शानदार एक्टिंग कर चुके बोमन ईरानी कभी ताज होटल में वेटर और रूम सर्विस अटेंडर रह चुके हैं। बोमन ने उस वक्त मीठी बाई कॉलेज से 6 महीने का वेटर का कोर्स भी किया था। यहाँ उन्होंने करीब 2 साल तक काम किया था। परिणीति चोपड़ा दश परिणीति फिल्मों में आने से पहले यशराज फिल्म समय काम कर चुकी हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ मार्केटिंग इंटर्नशिप का काम किया था। दिलीप कुमार दश फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार अपने पिता का फ्रूट सेलिंग का काम संभालते थे। बाद में उन्होंने कुछ वक्त कैंटीन भी चलाई थी। बाद में वो देविका रानी से मिले और उनकी वजह से दिलीप कुमार को फिल्म ज्वार भाटा में काम करने का मौका मिला। जॉन अब्राहम दश MBA की डिग्री ले चुके जॉन अब्राहम ने करियर की शुरुआत बतौर मॉडलिंग की थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी में काम किया था। इसके अलावा वो बतौर मीडिया प्लानर भी काम कर चुके हैं। जॉनी लीवर दश फिल्मों में लोगों को हंसाने के लिए मशहूर जॉनी लीवर पहले मुंबई की सड़कों पर पेन बेचा करते थे। उन्होंने 1981 में आई फिल्म दर्द का रिश्ता से डेब्यू किया और इसके बाद में वो बॉलीवुड के सबसे सफल कॉमेडी अभिनेता बने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी दश इस फिल्म स्टार की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से पॉपुलर हुए नवाजुद्दीन ने पढ़ाई के बाद वडोदरा में कुछ वक्त के मिस की जॉब की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ इतने पैसे नहीं मिलते थे। पैसों की तंगी के चलते उन्होंने बाद में वॉचमैन की नौकरी भी की। अरशद वारसी दश फिल्मों में आने से पहले अरशद की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। यही वजह है कि 17 साल की उम्र में उन्हें बतौर सेल्समैन काम करना पड़ा। अरशद डोर टू डोर जाकर कॉस्मेटिक आइटम बेचते थे। बाद में उन्होंने एक फोटो लैब में भी काम किया। रणवीर सिंह बॉलीवुड में आने से पहले एक विज्ञापन एजेंसी में काम करते थे। मुंबई में इस एड एजेंसी में वे कॉपीराइटर के पद पर थे। बाद में अपने डायरेक्टर दोस्त मनीष शर्मा के कहने पर रणवीर एक्टिंग फील्ड में आए थे और आज वो बॉलीवुड के सफल अभिनेताओं में से एक है।